तो गाइज ये रहा हमारा एक्सटेंशन कोड, अभी अभी डिलीवर हो चुका है। तो ये देख सकते हैं हमारा कुछ ऐसा पैकेट पैकिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे हमारा बिल वगैरह है। सो यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट से। यहाँ पे एक्सटेंशन कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं यहाँ पे जरा। तो ये रहा हमारा उषा का एक्सटेंशन कोड आपको देखने को मिल जाता, और ये हमारे 4 मीटर की वायर लेंथ है। और यहाँ पे आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, हमारे जो इसमें आपकी पावर कॉर्ड की क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ ऐसी यहाँ पे क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। ये देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया आप इसकी क्वालिटी वगैरह, और जो वायर की कॉर्ड की भी क्वालिटी इसकी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया यहाँ पे क्वालिटी आपको वायर की देखने वाली मिल जाती है। और ये रहा हमारा यहाँ पे एक्सटेंशन कॉर्ड, 4 यहाँ पे आपको प्लग दे रखे, सॉकेट दे रखे, और यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ बटन भी है। ये हमारा ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफी बढ़िया आप इसकी क्वालिटी लग रही है। चलिए अब इसको टेस्ट वगैरह करके देखते हैं, हमारा प्लग इन करके देखते हैं, और देखते हैं हमारी सारे यहाँ पे सॉकेट वर्क कर रहे नहीं कर रहे, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने प्लग लगा दिया है यहाँ पे सॉकेट में, और यहाँ पे भी इसको ऑन करके देखते हैं लाइट जलती ही नहीं जलती हमारी। सो ये देख सकते हैं हमारी लाइट जल चुकी है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये देख सकते हैं हमारी यहाँ पे लाइट ऑन होगी, इसको बंद करूंगा तो ऑफ हो जाएगी, चालू करूंगा तो ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पे लगा के देखते हैं हमारी चार्जिंग वगैरह पोर्ट वगैरह। तो सबसे पहले मैं अपना ये चार्जर लगाता हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारा 2 पिन का चार्जर है, इसको फिक्स करते हैं, और यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली अच्छी तरीके से यहाँ पे फिट हो चुका है। और मैं इसको अपने यहाँ पे लैपटॉप में लगा के देखता हूँ, लैपटॉप हमारा टाइप सी चार्जिंग का है। सो यहाँ पे मैं इसको लैपटॉप में लगा देता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सो इसको मैंने यहाँ पे फिट कर दिया अपने लैपटॉप में, और ये हमारा इंसर्ट हो चुका है कम्प्लीटली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी लाइट भी जलना चालू हो चुकी है। यहाँ पे इसको निकाल के अब दूसरे प्लग में डाल के देखता हूँ कि हमारे सारे प्लग वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसको नीचे रख देता हूँ जिसकी वजह से आपको लाइट दिखती रही लैपटॉप की। सो अब इसको निकालता हूँ और फिर डालता हूँ इसको दूसरे प्लग में। सेफ्टी के लिए हम इसको बंद कर लेते पहले, और फिर इसको घुसा दिया। अब ऑन करते हैं तो ये देख सकते हैं हमारी लाइट जल चुकी है, तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत इश्यू नहीं है। फिर से इसको ऑफ करते हैं, दूसरे प्लग में डालते हैं आराम से। थोड़ा भी नया है तो थोड़ा ही सॉकेट टाइट है, सो आप वो समझ सकते हैं। इसको ऑन किया, तीसरा प्लग हमारा वर्क कर रहा है। फिर से अब इसको ऑफ करते हैं, और फिर इसको अगले प्लग हमारे लास्ट वाले प्लग में डाल के देखते हैं। और ये रहा हमारा आखिरी प्लग, सो इसको सही से फिट कर देते हैं, और ये यहाँ पे ऑन करते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा चल चुका है। अब हम यहाँ पे 3 पिन वाला यहाँ पे प्लग डाल के इसमें देखते हैं, जो कि मेरे लैपटॉप का ओरिजिनल चार्जर है। तो इसको मैं यहाँ पे पहले निकाल लेता हूँ, अनप्लग कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अनप्लग कर लिया, और ये मेरा अब लैपटॉप का चार्जर आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं इसको लगा के देखता हूँ, तो पहले मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे प्लग इन कर देता हूँ। सो ये रहा हमारा प्लग इन, ये हो चुका हमारा प्लग इन, और फिर यहाँ पे देखेंगे लाइट जलती नहीं जलती। तो ये रहा हमारा लैपटॉप का ये चार्जर। तो अब इसको पहले सबसे पहले वाले पे डालते हैं, और फिर आपको बताता हूँ कि हमारा, ये देख सकते हैं आराम से ये फिट हो चुका है हमारा 3 पिन वाला। इसको ऑन करते हैं, और यहाँ पे हमारी लाइट जल गई। अब इसको दोबारा से निकालते हैं और अगले में डालते हैं, और फिर यहाँ पे अब अगले वाले में डालते हैं, और फिर ये देख सकते हैं हमारी लाइट जली और वहाँ पे भी जल गई। अब अगले में देखते हैं, यहाँ पे इसको ऑफ करते हैं, आराम से निकालेंगे, आराम से डालेंगे, आराम से हमारा फिट हो जाएगा। लाइट जल गई, अब लैपटॉप की लाइट यहाँ पे जलेगी। तो ये देख सकते हैं हमारा कंप्लीटली वर्क कर रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसको ऑफ करते हैं, अब अगले में डालते हैं, और ये हो गया फिट। यहाँ पे लाइट जली हमारी सॉकेट की, और
और यहाँ पे हमारे लैपटॉप की सो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे इसकी क्वालिटी मुझे लग रही है। तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं। आपको एक एक्सटेंशन कोड चाहिए, 4 मीटर इसकी वायर की लेंथ है, 2 मीटर 1.5 मीटर डिफरेंट डिफरेंट लेंथ में आता है, वो आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज यही था बस हमारी आज की वीडियो में। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट। To change up.